नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। आप जानेंगे इस न्यूज में आज शाम के 10 महत्वपूर्ण खबरों को। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही न्यूज को लाइक करके आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। यूपी पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी नुकसान को जानेंगे। यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद का दावा है कि यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें करीब 1000 शिक्षक थे। इस चौंकाने वाले आंकड़ों के हकीकत जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी से बात की। उन्होंने अपने दावे के आधार भी बताए और साथ में कोरोना गुजरने के बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी। सवाल यही है कि 2000 मौत का जिम्मेदार कौन है, कैसे किसी के जाने की भरपाई हो सकेगी, कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे तथा उचित कदम उठाए। यूपी में युवाओं का कोविड वैक्सीनेशन 7 शहरों से बढ़कर 17 नगर निगम और नोएडा तक पहुंचा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा दिया है। पहले चरण में 7 जिलों में युवाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने अब सभी 17 निगमों और गौतम बुद्ध नगर में बड़े स्तर पर कोविड 19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं यूपी में बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं होगा वैक्सीनेशन। 45 वर्ष से ऊपर वालों पर भी 10 मई से लागू। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर वालों की तरह ही अब पहले से चल रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण अभियान में बड़ा बदलाव किया है। ताजा आदेश के अनुसार 10 मई से 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का प्रथम डोज के टीकाकरण का कार्य ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही दिए जाने के निर्देश जारी हो गए हैं। अभी तक इसमें वॉक इन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाता था, जो अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक समेत 35 नेताओं के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। सामूहिक रोजा इफ्तारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर हुई कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सामूहिक रोजा इफ्तारी में जाने पर समाजवादी पार्टी के विधायक समेत 35 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के दौर में सामूहिक रोजा इफ्तारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में नागिना पुलिस ने नागिना के समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पारस सहित 35 समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई पर कुछ लोग पुलिस की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे कोरोना की रोकथाम के लिए उठाया सख्त कदम बता रहे हैं। कोरोना के चलते शासन भीड़ जुटाने को लेकर सख्त नजर आ रहा है। जिले में हर रोज 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इस संबंध में नगीना के समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पारस का कहना है कि यह मुकदमा बदले की भावना से कराया गया है। उनका कहना है कि रोजा इफ्तार कार्यक्रम में चंद लोग ही शामिल थे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया था। यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर जल्द हो सकता है यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं क्लास की परीक्षाओं पर फैसला। जी हां, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर यूपी सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है। अभी तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को 20 मई तक स्थगित किया हुआ है। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई है। परीक्षाएं स्थगित होने के बाद अब छात्रों को नई परीक्षा तिथि का इंतजार भी है। अभी तक बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का भी फैसला नहीं लिया है। इससे पहले 15 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था कि यूपी बोर्ड की तारीखों का जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा था कि कोरोना पीक का आकलन समय समय पर किया जा रहा है। हमारे 19 अधिकारी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित हैं, इनमें से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। यही नहीं, शिक्षकों की चिंता यह है कि ज्यादातर छात्रों ने पढ़ाई बंद कर दी है और शिक्षकों से संपर्क तोड़ दिया है। शिक्षकों का कहना है कि छात्र पढ़ाई बंद न करें, रिवीजन करते रहें। सीएम योगी ने दिया गौशालाओं में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर लगाने का आदेश। हर जिले में बनेगी हेल्प डेस्क। जी हां, कोविड 19 महामारी के कारण उपजे विषम हालात के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर जिले में गायों के संरक्षण के लिए हेल्प डेस्क गठित करने के काम में
तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक सीएम योगी ने इसके अलावा सभी गौशालाओं को गायों तथा अन्य जानवरों के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसे चिकित्सा उपकरणों से लैस करने के भी आदेश दिए हैं। बयान के मुताबिक कोविड 19 महामारी की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर गायों के संरक्षण के लिए राज्य के सभी जिलों में कुल 700 हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। इसके अलावा 51 ऑक्सीमीटर तथा 341 थर्मल स्कैनर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 5वीं से 12वीं पास करें अप्लाई, अंतिम तिथि 17 मई 2021 तक। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा का पुष्टाहार विभाग ने विभिन्न जिलों के लिए आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। BKSEPV की वेबसाइट balvikasup.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। आंगनबाड़ी सेविका और मिनी आंगनबाड़ी सेविका उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए और आंगनबाड़ी सहायिका उम्मीदवारों को कक्षा 5वीं पास होना जरूरी है। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जगह जगह हो रहे बवाल पर मायावती ने जताई चिंता, सरकार से कार्रवाई की मांग। जी हां, बसपा अध्यक्ष मायावती ने यूपी में पंचायत चुनाव के बाद जगह जगह हो रही हिंसा और झड़प की घटनाओं पर चिंता जताया है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा, झड़प, आगजनी व अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार घटित हो रही है, यह अति दुखद व अति चिंताजनक विषय है। राज्य सरकार को इस मामले में गंभीर होकर तत्काल आवश्यक कदम उठाने की सख्त जरूरत है, BSP की यह मांग है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद कई जिलों से हिंसा और आगजनी के अलावा मौत की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं ममता बनर्जी का बंगाल में केंद्र पर तीखा हमला, कहा जनता का फैसला माने और हमें काम करने दे। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालते ही ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के फैसले को स्वीकार करें और हमें कोविड के प्रति काम करने दे। गुरुवार को ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को और आग दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम आपसे अब झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बुधवार को सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शाम 7 बजे तक केंद्र की ओर से एक पत्र मिल गया। उसमें लिखा गया था कि गुरुवार सुबह केंद्रीय टीम बंगाल पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि क्या कभी केंद्रीय टीम ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी के बारे में जानकारी लेने आई। ममता बनर्जी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि केंद्रीय टीम हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के मामले और दिल्ली उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामले में भी इतनी तेजी दिखाती। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद हिंसा में मारे गए 16 लोगों के परिवारों को 2,00,000 रुपए देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं जानती हूँ कि इन पैसों से उनका अपना वापस नहीं आ सकता, लेकिन इससे परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मृतकों में एक संयुक्त मोर्चा थे और बाकी भाजपा और TMC के समर्थक थे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से अपील की कि अच्छे विचारों को साझा करें। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में बहुत सारे फर्जी वीडियोज सर्कुलेशन में है। वहीं आज के आखिरी खबर पर नजर डालेंगे कोरोना अपडेट पर। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 30,921 नए मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में ही 350 से ज़्यादा संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हम आपको सतर्क कराना चाहेंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। जी हाँ, अपने देश भारत को कोरोना मुक्त कराने में भारत सरकार का सहयोग करें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।